चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक यू ऑल। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संख्यावाचक शब्द। संख्यावाचक शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि संख्या का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। आप मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं, संख्या का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। यदि हमारा विशेष्य पुलिंग है तो विशेषण भी पुलिंग ही होगा। और यदि विशेषण विशेष्य स्त्रीलिंग है, यहां से मैं ऊपर से रब कर रही हूं ताकि अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप लिख सकें। यदि हमारा विशेष्य स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा। और अगर हमारा विशेषण नपुंसकलिंग है और विशेष्य नपुंसकलिंग है तो विशेषण भी नपुंसकलिंग होगा। अब जो हमारी एक से चार तक की संख्याएं होती हैं, वो हमारे उनके जो शब्द रूप होते हैं वो बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये मैं इसको रब कर रही हूं, अगर आपने लिख लिया हो और नहीं लिखा तो आप उसको लिख सकते हैं पीछे बैक करके भी। एक से जो चार तक की संख्याएं होती हैं ये भिन्न होती हैं। इनके रूप हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग में चलते हैं। अब हमारा पुल्लिंग में एक का क्या हुआ? एकः। और स्त्रीलिंग में क्या हुआ? एका। और नपुंसकलिंग में एकम। आपने पढ़ाई होगा पिछली कक्षा में कि यदि बालिका के लिए यूज हो रहा है तो एक का बालिका, वृक्ष के लिए यूज हो रहा है तो एक का वृक्ष, और फल के लिए यूज हो रहा है तो एकम फलम। ऐसे ही दो का देखिए, द्वौ मूल शब्द जो है इसका है मूल शब्द एक और इसका है द्वि। कई बार बच्चे गिनती लिखते समय एक द्वि त्रि चतुर लिख देते हैं, वो रॉन्ग नहीं होता बट वो आप मूल शब्द लिख देते हो। और अगर हम पुल्लिंग में लिखें तो यहाँ पे द्वि का द्व हो जाएगा और स्त्रीलिंग में द्वे हो जाएगा और नपुंसकलिंग में भी द्वे रहेगा। तो यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट आया त्रि। त्रि का पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? त्रय। और स्त्रीलिंग में तिस्त्र और नपुंसकलिंग में त्रीणी। ठीक है, तो यहां पर आपको क्लियर हो गया। अगर आपको ये विजिबल हो रहा है सभी को अच्छे से विजिबल हो रहा है ना, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे रब कर रही हूं। अभी आप आगे देखिएगा, यहाँ पे
चार का देखते हैं, चार में पुलिंग में क्या हुआ, चत्वारः, और स्त्रीलिंग में चतस्त्रः, और नपुंसकलिंग में चतुवारी। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। अब जो आगे पांच से लेके आप जितनी भी संख्याओं को लिखोगे वो एक समान चलेंगी, लेकिन वो बहुवचन में चलेंगी। जैसे पंचाह, पंच भी चल सकता है, पंच भी चल सकता है, लेकिन ये बहुवचन में भी चल सकता है। पंचाह, षट, ये सेम रहेगा, सप्त, मतलब ये सेम रहेगा। सपोज आ गया ग्यारह तो एकादश, आगे आ गया बारह तो द्वादश। ठीक है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं लाना। तो ये भी अगर आप पंच लिखेंगे तो भी ये करेक्ट है। त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसकी ही सेंटेंस बताते हैं आपको। जैसे अगर पुलिंग में आ गया, अगर आपके इसके मूल शब्द लिखने हैं, पहले मैं एक बारी आपको मूल शब्द लिखकर बता दूं। मूल शब्द क्या होते हैं, जैसे आप शब्द रूप करते हैं तो आप राम लिखते हैं ना, राम मूल शब्द, तो उसका जो प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाते हैं, तो उसमें बनाते हैं आप राम। ठीक है, ऐसे ही मूल शब्द हुआ एक, तो पुलिंग में एक हा, जैसे कि मैंने अभी आपको इसका पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग बताया था, और इसका मूल शब्द क्या हुआ दो का, द्वि, तो इसमें क्या हुआ था पुलिंग शब्द द्वौ। इसका क्या है मूल शब्द, त्रि, तो इसका क्या हुआ त्रै। इसका मूल शब्द क्या है, चतुर, तो इसका क्या बनेगा, चतुवारः। ठीक है, ऐसे ही पांच का मूल शब्द क्या बना, पंचन, लेकिन इसका शब्द रूप क्या, इसका जो पुलिंग में चलेगा वो हमारा क्या बनेगा, पंच। ओके, नेक्स्ट हमारा आया शश, इसका मूल शब्द हमारा क्या है, शश, जो कि ये परिवर्तित हो जाएगा पुलिंग में षट या षड। अगर आप षड लिख रहे हैं तो आपको हलंत लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप षट लिख रहे हैं तो इसमें आप हलंत पुट करेंगे, हलंत जिसे मैं तिरछी रेखा। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा सप्तन, सप्तन क्या है, इसका मूल शब्द, लेकिन अगर हम इसको वैसे लिखें तो सप्त। ओके, अष्टन, इसी तरह से आपको सब में न लगाना है, और ये आपका हो गया अष्ट। आपने पिछली कक्षा में काउंटिंग करी होगी संस्कृत में, एक, दो, त्रय, चतुवारः, पंच, षट, सप्त, अष्ट, और ये हो गया नवन। ये आपका है मूल शब्द और ये आपका बन गया पुलिंग शब्द नव। लेकिन ये पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सब में सेम चलेंगे, पंच से लेके जितनी भी आपकी संख्याएं हैं जो भी आप लिखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक से चार तक की बात करें तो हमारे पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग चेंज हो जाते हैं। तो एक और मैं लिख देती हूँ दशन, तो इसका हमारा क्या बनेगा, दश। क्लियर हो गया सभी को, तो ये आप एक बारी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। और अब हम बात करेंगे इसके विशेषण और विशेष्य की। जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो इसमें अलग अलग आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, जैसे आया पुलिंग की बात करें तो एक ईश्वर और स्त्रीलिंग की बात करें तो एक छात्रा, नपुंसकलिंग एकम फलम। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ। अगर अब हम बात करें दो की तो क्या बन जाएगा, जैसे द्वौ वृक्षौ, क्योंकि वृक्ष शब्द हमारा पुलिंग का है, द्वौ माले। हम यहां पे जरूरी नहीं है, अगर छात्रा है और हमें छात्रा को ही बनाना है तो हम यहां पे छात्रे भी लिख सकते हैं, करेक्ट। और अगर हम यहां पे ईश्वर है तो हम यहां पे ईश्वरों भी दे सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। एकम फलम तो द्वे,
सॉरी मैंने यहाँ पे दो लिख दिया, लेकिन ये स्त्रीलिंग था तो यहाँ पे हम द्वे करेंगे, द्वे माले, करेक्ट। यहाँ पे नपुंसकलिंग में भी क्या आ जाएगा, द्वे फले। ओके, अब देखते हैं ट्री का शब्द रूप कैसे चलेगा पुलिंग में। त्रय वृक्ष और स्त्रीलिंग में तिस्त्र महिला। और नपुंसकलिंग में त्रीणी पुष्पाणी, राइट। अब आगे देखते हैं चार का शब्द रूप चलाकर देखते हैं। चतुवार है वेदा, ये हमारा किस में हो गया, पुल्लिंग में हो गया, राइट। और हमारा स्त्रीलिंग में क्या बना, चतस्त्र है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जब ये तीन से ऊपर आ गया तो ये तीन से लेकर ये बहुवचन में ही बनेगा, ये हमारा एकवचन और द्विवचन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा स्त्रीलिंग है और ये जब दो से अधिक होता है तो ये बहुवचन में ही बनता है। तो ये क्या हो गया, चतस्त्र है माला, या कुछ भी महिला बहुवचन में, कुछ भी कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग ही होना चाहिए। नेक्स्ट ऐसे आ गया नपुंसक, उसमें ये हमारा कैसा वाक्य था, स्त्रीलिंग। और अगला वाक्य हम किस में लिख रहे हैं, नपुंसकलिंग में। तो नपुंसकलिंग में मैंने आपको क्या बताया था, चतुवारी, ठीक है, चतुवारी पुष्पाणी, यानी कि चार फूल। पुस्तकानी भी लिख सकते हैं, चार पुस्तकें। मित्राणी भी लिख सकते हैं, क्लियर। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा आया सपोज चार से ऊपर संख्याएं आ गई तो अब हमने कैसे लिखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि दो से ऊपर जब आ जाए तो आपको एक वचन और द्विवचन में बिल्कुल नहीं लिखना, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो और नपुंसकलिंग हो। सपोज हमारा आ गया पंच, अब हमने लिख दिया पंच पांडवा, अब ये हमारा कैसा शब्द है, पुल्लिंग। अब हम इसी को स्त्रीलिंग में कैसे लिखेंगे, पंच कलिका, ओके। और नपुंसकलिंग में इसको कैसे लिखेंगे, पंच कमला। अब आप सभी ने देखा होगा कि मैंने जो एक से चार तक की संख्याएं यूज करी उसमें मैंने पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सब चेंज कर दी, लेकिन इसमें ये जो हमारा ये पंच है ये हमने चेंज नहीं किया। ऐसे ही आप यहाँ पे षट कर सकते हो, सप्त कर सकते हो, अष्ट कर सकते हो, एकादश कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बट ये जो हमारे हैं ये हमारा स्त्रीलिंग में हो गया और ये हमारा नपुंसकलिंग में हो गया, राइट। तो ये हम बहुवचन में ही रखेंगे, यहाँ पे हम कोई भी संख्या चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने 1 से 20 तक की गिनती लिखने जा रही हूँ, जो कि आप अपनी पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन। एकः द्वौ त्रयः चतुर्थ पंच षट सप्त अष्ट नव दश, राइट। अब आप पहले इसको 10 तक नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको 11 to 20 लिखवाऊंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मुझे इसे बार बार रब करना पड़ता है। ओके, सो अब मैं आपको 11 से लिखवाऊंगी, या आपको अपनी पुस्तिका में नोट करनी है 11 की क्या होगी। यस, आप बोल रहे हैं आपने सीखा भी है एकादश। अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
वन प्लस टेन, यानी कि इसको क्या बोलेंगे एक, और इसको क्या बोलेंगे दश, तो ये क्या बना एकादश। ओके नेक्स्ट आया द्वादश। अब जब ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो यानी कि ये क्या हुआ टू प्लस टेन, यानी कि ये दश तो पीछे आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रहा है एकादश द्वादश, एक से ही तो बना आ एकादश, और ये दो से क्या बन जाएगा द्वा, तो ये बनेगा द्वादश। नेक्स्ट बना हमारा त्रयोदश। अभी एक्चुअली आपने संधि नहीं सीखी है, जब आप संधि सीख जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये क्यों बने। तो ये जो हमारा त्रय पे विसर्ग था, जब हमारा विसर्ग आ में हो तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है, तो तीन प्लस दस कितने बने थर्टीन, यानी कि तेरह, और ये कितने बने बारह, और ये कितने बने ग्यारह। तो आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपको पता रहेगा कि पहले हमने तीन को लिखना है और बाद में हमें टेन को लिखना है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट हमारा आया फोर्टीन, तो ये क्या बना हमारा चतुर्दश। चतुर आपने ध्यान देना है, कई बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं तब ही र लगा देते हैं। देखो आवाज का आ रही है चतुर, तो ये जो र की साउंड आ रही है ये उछल कर द पे चला जाता है, तो ये बना चतुर्दश, तो यानी कि फोर प्लस टेन, तो ये हमारा क्या बना फोर्टी। ओके नेक्स्ट देखते हैं, रब कर दूं मैं यहाँ से। अगर आप इसी तरह से संख्याएं करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी लर्न हो जाएंगी, 100 तक की स्पेलिंग आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आया 15, तो ये हमारा क्या बना पंच जमा दश, यानी कि पंचदश, यानी कि 5 + 10 इज इक्वल टू 15, राइट। नेक्स्ट हमारा आया 16, तो ये क्या बना षोडश। ओके अब यहाँ पे हम षड्दश नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो ट है ये हमारा ड में परिवर्तित हो जाएगा। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने संधि नहीं सीखी है तो आपको इसका अभी इतना पता नहीं चलेगा, अभी आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आया 17, सप्तदश। अब देखिए आपको कितनी इजी हो गई ना लर्न करनी, कि पहले आपने 7 की लिखनी है और फिर आपने 10 की लिखनी है। अगर आपको 1 to 10 अच्छे से लर्न हो गई तो आपको स्पेलिंग लर्न करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट आया 18, 18 को क्या लिखेंगे अष्टादश। मीन्स 8 + 10 इज इक्वल टू 18। ओके यहाँ तक आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 19। को क्या लिखेंगे नव, आपने अगर आपको लर्न हो भी गई होगी नव दश, यानी कि 9 + 10 इज इक्वल टू 19। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं क्योंकि हम 20 की स्पेलिंग हमको लर्न करनी पड़ती है, जैसे कि 20 की स्पेलिंग है विंशति, विंशति, ठीक है। अब विंशति का मतलब यानी कि 20, इसके लिए हमारे पास कोई नहीं है कि हम ऐसे बताएं कि 10 + 10 तो 10 तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन हम 19 को एक और बता सकते हैं। इसका मतलब होता है एकौन, एकौन का मतलब होता है कम करना, एकौन विंशति, यानी कि ये कह रहा है कि एकौन, ओन का मतलब, ऊन का मतलब क्या होता है एक कम होना, यानी कि 20 में एक कम होना, राइट। तो हम इसको 19 को दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो नवदश लिख सकते हैं जो कि आपको बहुत इजी पड़ेगा, लेकिन कभी कभी ये बच्चे कह देते हैं कि मैम एकौन विंशति इज राइट। यस आप एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम इसमें 20 में एक कम कर दें तो ऊन का मतलब होता है कम करना, ठीक है, तो हमने एक कम कर दिया, 20 में एक कम कर दिया, तो ये क्या बना 19। तो आपके 29, 39, 49 इसी तरह से आप लिख सकते हो, एकौन से भी और सीधा सीधा नौ से भी। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिखना। ओके बाय बाय चिल्ड्रन, लाइक करना मत भूलना, थैंक यू, बाय बाय।